बिहार में एक बार फिर गोलीकांड की घटना सामने आई। बेतिया में गुरुवार को एक अपराधी ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने परिवार के साथ घर पर बैठे वार्ड सदस्य पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। फायरिंग कर भागने के दौरान आरोपी ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें और लोगों को गोली लगी। जो अपराधकर्मी है और जिनको गोली लगी है, ये दोनों आपस में कजन हैं। बहुत साल पूर्व पहले जो अपराधकर्मी उसके उसकी माँ को जो है वो जिसको गोली लगी है उसके द्वारा लेके भाग गया गया था। और अभी भी हम लोग पता कर रहे हैं कि उसकी माँ कहाँ है और किस परिस्थिति में है। और अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर अपराधकर्मी के द्वारा भी कन्फेस किया गया है कि यही इन्हीं कारणों से ये घटना को अंजाम दिया गया है। बेतिया गोलीकांड से लोगों के जहन में बेगूसराय गोलीकांड की यादें ताजा हो गई। मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दहशतगर्दी सरकार की सरपरस्ती में हो रही है। पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है और मेरे बगल के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। मैं आज रात को वहां पर जाकर के सभी घायलों से मिलूंगा, लेकिन बिहार में एक आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह खुली छूट नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। जो हालात 1990 में थे, आज फिर से वही हालात है कि हर जगह पर ये लोग गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ा हुआ है। आरक्षण के मामले पर रद्द हुए निकाय चुनाव पर बिहार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार ना तो अब तक सुप्रीम कोर्ट गई, न ही सरकार से आयोग का गठन किया। अब बीजेपी आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ आंदोलन के तहत 17 अक्टूबर को प्रदेश भर में नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बेकार की बातें करती है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। बकवास बातें हैं और हम आपको पहले भी कहे हैं ये बात और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी चीजों को रखा है। कोर्ट के आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण का चुनाव नहीं कराएंगे। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया है वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा, पहले चुनाव हुआ नहीं क्या। मुजफ्फरपुर के कुख्यात राजा ठाकुर की हत्या को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले को लेकर एसएसपी जयकांत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। इस मामले में पुलिस को जो इंसिडेंट हुआ था, जो हत्या हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पीट पीट करके लाठी डंडों से हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक सीसीटीवी मिला है। सीसीटीवी में के आधार पर और जो नामजद लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया और बाद में जब फैमिली मेम्बर्स से और उस अरेस्ट किए गए आदमी से जब पूछताछ की गई और पहचान कराई गई तो इसमें से सभी लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस उनकी अरेस्टिंग के लिए आगे काम कर रही है। वैशाली के लालगंज क्षेत्र में लोगों से भरी एक नाव गंडक नदी में डूब गई। नाव पर करीब 25 लोग सवार थे, जिसमें से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कुछ लोगों के लापता होने की खबर है, अन्य लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के बाद इलाके में मातम सा पसरा है। बिहार के बेतिया में नौतन और बेरिया प्रखंड क्षेत्र के एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसके कारण इलाके के हजारों लोगों की जिंदगी एक बार फिर बांध और नाव पर आकर टिक गई है। गंडक के किनारे रहने का दंश हर साल इन लोगों को झेलना पड़ता है। पहले ये लोग जून से लेकर अगस्त तक ही पानी का कहर झेलते थे,
लेकिन पिछले दो सालों में ये सिलसिला अक्टूबर तक पहुंच चुका है। धनबाद में कुछ दिनों पहले ही रेलवे की तरफ से हनुमान जी को नोटिस देने का मामला सामने आया था। घटना बेकार बांध रेलवे कॉलोनी के करीब एक खटिक मोहल्ले की है। यहाँ रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने मोहल्ले में 27 घरों को अवैध कब्जा बताते हुए उनकी दीवार पर नोटिस चिपकाया और इसी दौरान मोहल्ले के हनुमान मंदिर पर भी नोटिस चिपका दिया। मंदिर के बाहर चस्पा किए गए इस नोटिस में कहा गया कि 10 दिन के अंदर मंदिर से अतिक्रमण हटाओ वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने भी रेलवे को नोटिस दे डाला। एक युवक पर झारखंड में आशिकी का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने एक दो नहीं बल्कि चौथी शादी की योजना बना डाली, लेकिन युवक चौथी शादी कर पाता इससे पहले ही वो महिला समिति के चंगुल में फंस गया और महिला समिति की महिलाओं ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं ने उसकी आशिकी के भूत को उतारा और फिर उसे थाने की दहलीज तक पहुंचा दिया। आशिकी के चक्कर में अब युवक की नौकरी भी आफत में आ गई है।